नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के सिटी थाने से। और मौके पर जो है डीएसपी कंवल जीत जी पहुंच चुके हैं। जब मामला नहीं सुलझा तो उन्हें पहुंचना पड़ा। ये सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ उनका कहना है। उनको ले आओ, पूछताछ करो, कहीं रेड कर रही है वहां जाके आएगा। चले कल गए भी हैं जो डिटेल्स वगैरह लेने थे, इनसे भी इमदाद लिए। ठीक है, आप कोई चलो जो आदमी आसपास होता है उसको ज्यादा पता होता है। तो आज ही मेरे ख्याल लड़की का फोन भी आया शायद, तो वहाँ भी लोकेशन ली है, वो भी शायद पंजाब की है। नहीं, फोन आया नहीं, फोन करवाया गया जिसको डरा धमका गया जैसे भी है, वो चीज़ हम क्लियर नहीं कर सकते। बेशक करवाया गया हमें, तो एक लिंक की बात है ना, उसके बाद है ना फोन बंद किया। सर, तीन लड़के इनके घर गए थे, उनको सबसे पहले उठाना चाहिए था। 7 दिन उन्होंने प्रतीक्षा की कि उनका काम हो जाए। 9 दिन कितने डील, ये कानून कानून के हिसाब से काम हो रहा है। आप इसका जवाब दो सर। आपको आईना दिखा दीजिए, रुके, अगर आपको आईना देखना है, केवल 5 किलोमीटर दूर यूपी शुरू होता है यहाँ से। सेम यही वर्दी, यही कानून, यही प्रक्रिया और यही ताकत और इसी इच्छा शक्ति के साथ वहाँ पे भाजपा, यहाँ पे भी भाजपा। किसने आप लोगों का हाथ रोक रखा है ये बता दीजिए। आज पूरा समाज आप लोगों को सुन रहा है। क्या हाथ किसने रोका? कानून के अनुसार काम करना, जो कानून का काम भाइयों ऐसा है सर, मेरी सुनिए, अगर हम किसी अपने स्टेट का कानून, अपने स्टेट के कानून के अनुसार चलते, कानून अलग है, यूपी के स्टेट का कानून अलग, सरकार ने स्टेट का कानून के अनुसार मुख्यमंत्री जी को कहना है ना, सरकार ने बना दिया जब पहले बने हुए हैं। सन्यासी आदमी आपसे मिल रहा, रुकिए ना यार, सन्यासी आदमी आपसे मिलता है। आपको तो ये आपके जो नीचे जो लेवल के जो अधिकारी हैं, आपको सूचना तक नहीं देते हैं सर। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? एसपी को एसपी को किसी को दर्जा मुकदमे दर्ज के, हमारे पास डेली स्ट्रिप्स आती है, हमें पता, हम डेली चेक करते हैं। इसका मतलब आप भी फिर लापरवाही 25 तारीख तक आपने क्यों नहीं किया कुछ? उसमें पुलिस अपनी कार्रवाई कुछ नहीं किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं आप सभी को बता दें, ऐसी भी केस यहाँ दर्ज है जो बीफ को लेकर डाले गए राम को छह बज के पच्चीस मिनट हो रहा है। कल शाम को हम दोबारा फिर आपके पास आएंगे। 24 घंटे का समय, विजय कॉलोनी है जो अपना ये फ्लाई ओवर है रेलवे का, वहाँ से एक बेटी चली गई थी जी, एक मुसलमान अपहरण करके, उसकी वीडियोज परिवार से जो पता चला है, उसकी कुछ वीडियोज हैं क्लूज उसके पास, वो ब्लैकमेल करके उस बेटी को ले गया जी। उसके बाद तब से लेके उस बेटी तक का कोई पता नहीं था जी। 25 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ भाई, और 25 से परिवार को ये कह दिया गया कि हमारी बेटी और आपकी बेटी, और उसके बाद वो किसकी बेटी और कहाँ की बेटी कोई मामला नहीं जी। परिवार को फिर आँख खुली कि भाई ये तो पुलिस वाले शायद हमें इधर उधर चला रहे हैं। तब वो संगठनों से मिले, हिंदू संगठनों के जी, तो सभी हिंदू संगठन इकट्ठे हुए, कल परसों डीएसपी साहब के संज्ञान में लाए। उनको भी नहीं पता था, मतलब 25 तारीख तक एक अपहरण हो गया शहर में, और उस इलाके के डीएसपी साहब को नहीं पता था। हमें विश्वास है अपने नगर में बहुत अच्छे एसपी साहब आ गए हैं, उनकी जानकारी में अगर ये मामला 25 तारीख को ही आ जाता तो वो बेटी, हमें विश्वास है, हमारे आ जाती। हमें बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, पिछले 2 हफ्तों में 4 बेटियाँ गई हैं जी इस जिले से, और उस चारों के चारों मामलों में प्रशासन का जो ढिलाई बरती जा रही है, तो इनकी कोई दिक्कत है, इनके पास कर्मचारियों की कमी है। भाई साहब, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक सरकार चलती है जी, जमुना पार, और वो सरकार भी इसी विचारधारा की सरकार है, खुल करके कहूँ तो बीजेपी की सरकार है। अगर वहाँ ये मामला होता ना जी, तो वहाँ जब जो क्या नाम है इसका, बिलाल गुज्जर के घर टैंकर खड़ा होता जी, बुलडोजर तोड़ते ना, वो खाली खड़ा करते, वो बेटी को भी देता, सब कुछ देता। तो ये हमारा सरकार से भी एक निवेदन है। दूसरी और अति महत्वपूर्ण बात, आपने एक कानून पास करके वाहवाही लूट ली पूरे देश में, कानून पास हो गया, लेकिन आपको एक बात कह दूं मैं, उस कानून की नोटिफिकेशन नहीं आई अभी।
अगर आज उस कानून की नोटिफिकेशन आ गई होती तो ये मामला बिल्कुल हो ही ना पाता, क्योंकि उस लड़की को पहले डीसी से सर्टिफिकेट लेना पड़ता अपना जाति प्रमाण पत्र। लेकिन सरकार से निवेदन है भाई कुछ करो, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। आपने कानून पास कर लिया और 5-4 दिन में नोटिफिकेशन जारी करो। यदि आप ये बात सरकार तक हमारी पहुंचा सकें, या जो सरकार के यहाँ नुमाइंदे हों और माननीय मुकेश जी जो प्रताप नगर में रहते हैं हैदराबाद में, वो जो ये न्याय की जो कानून की धारा है आरपीसी की बनती है, क्या नाम है जी उसका, कौन सा बोर्ड है जी, वो कमीशन, लॉ कमीशन, उसके सदस्य अपने जिले के हैं जी, वो भी चाहें तो जल्दी से जल्दी ये कानून बन सके। कोर्ट में 4-5 लोग बैठे होते हैं, इसलिए मीटिंग हुई नशा मुक्ति। अरे नशा मुक्ति जानी है तो डीएवी गर्ल्स कॉलेज जीएनजीएल रोलिस पे जो आसपास के होटल हैं वहाँ चले जाओ, उनको छान लो, पूरा जिला ठीक हो जाएगा, ये मामले भी खत्म हो जाएंगे, नौजवान भी सुधर जाएंगे और नशा मुक्ति भी अपने आप हो जाएगी। 4-5 होटल हैं और इस अक्यूज का भी होटल है ब्लैक मैंग। पुलिस को कोई अल्टीमेटली, हमने पुलिस को समय दिया है, अगर पुलिस ने इन होटलों पे कोई कार्रवाई नहीं की तो हम सभी संगठन मिलकर स्वयं जो है इसका संज्ञान लेंगे और इन होटलों के ऊपर जाके छापामारी करेंगे और जो भी वहाँ पे दोषी पाया जाएगा उसकी जो है ना अपने आप उसका इलाज करेंगे। तो जी कब से शुरू किया जाएगा? एक हफ्ते का टाइम पुलिस को दिया हुआ हमने, उसके बाद इसका जो है ना समय संज्ञान लेंगे। जितने भी बारिश है, डेली गर्ल कॉलेज है, छोटी लाइन है, जीएनजी कॉलेज है, जितने भी इसके आसपास ये होटल रेस्टोरेंट कैफे ये खुले हुए हैं, इसको खुद हम सारे संगठन मिलकर इसका खुद जिहाद के मामले को लेकर तमाम हिंदू संगठनों ने पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर कुछ नहीं हुआ तो वो कुछ कड़ा कदम उठाएंगे। तो आप मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, बने रहिए IB24 के साथ, नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।